होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें। हम सभी को अपनी जिंदगी की बेसिक जरूरतों को पूरा करना पड़ता है और इन जरूरी चीजों में रोटी, कपड़ा और मकान और बाकी सब चीजें आती हैं। आज के समय में हर कोई चाहता है कि कम दाम में उन्हें अच्छी चीज मिले। हम दुकानों पर जाते हैं और कुछ जरूरी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अगर वही चीज या सामान हमें ज्यादा मात्रा में खरीदना होता है तो हम सब सोचते हैं कि सस्ते में मिल जाता है। बस यही काम है होलसेलर का, जो ज्यादा मात्रा में सामान बेचता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि होलसेलर क्या होता है, होलसेलर और रिटेलर में अंतर क्या होता है, होलसेल बिजनेस की शुरुआत के लिए जरूरी जानकारियाँ क्या होनी चाहिए, होलसेल का बिजनेस कैसे शुरू करें, होलसेल बिजनेस के फेल हो जाने के क्या कारण हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। होलसेलर क्या होता है? ऐसा विक्रेता जो किसी सामान को बल्क में रिटेलर या ग्राहक को बेचता है, उन्हें होलसेलर कहा जाता है। ये बिजनेसमैन सामानों को बल्क या ज्यादा मात्रा में फैक्ट्रियों या बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एजेंसियों से खरीदते हैं और उन्हें ज्यादा मात्रा में रिटेलर्स और ग्राहकों को बेचकर मुनाफा कमाते हैं। होलसेलर और रिटेलर में अंतर। होलसेलर जो सामान को बल्क मात्रा में बेचते हैं, होलसेलर सामान को फैक्ट्रियों या फिर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी से खरीदते हैं। होलसेलर एडिशनल सर्विसेज में पैसा ज्यादा खर्च नहीं करते। होलसेलर कम दाम पर सामान को रिटेलर और ग्राहकों को बेचते हैं। रिटेलर, रिटेलर सामान को कम मात्रा में बेचते हैं। रिटेलर सामान को होलसेलर से खरीदते हैं। रिटेलर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एडिशनल सर्विसेज पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। रिटेलर ज्यादा दाम पर सामान को ग्राहकों को बेचते हैं क्योंकि इसमें उनकी एडिशनल सर्विसेज के भी कुछ खर्च निकलने होते हैं। होलसेल बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जरूरी जानकारियाँ। होलसेल बिजनेस की शुरुआत में सबसे पहले मार्केट में किस सामान की डिमांड ज्यादा है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी और फैक्ट्रियों का पता लगाना जो वैलिड हो, यानी सच में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली हो, और सामान लेने पर भी उस पर रिटर्न्स पॉलिसी सही दे देती हो। जिस भी सामान की बिक्री करनी हो उसके दाम की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन्हें मार्केट से ज्यादा दाम पर सामान न बेच दे। होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें? मार्केट के बारे में पूरी जानकारी। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जिस भी मार्केट में जाना है उसकी पूरी जानकारी, जैसे किस उत्पाद की मांग ज्यादा है, मार्केट में उत्पाद का सही दाम क्या है, जगह से जुड़ी जानकारी कि कैसी जगह पर बिजनेस ज्यादा चलेगा आदि, इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, जिससे बिजनेस को बढ़ाया जा सके और मार्केट में नाम कमाकर मुनाफा कमाया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों और एजेंसियों का पता लगाना। होलसेलर्स प्रोडक्ट को खरीदने का काम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों और एजेंसियों से करते हैं, इसलिए होलसेलर को बिजनेस की शुरुआत में एक सही और मान्य मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का पता लगाना बहुत जरूरी है। बिजनेस के लिए जगह ढूंढना और नाम का चयन करना। बिजनेस को सेटअप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए जगह और नाम का चयन करना, जिससे उसे जाना जाए और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उसके नाम और जगह की वजह से उसकी तरफ आएंगे। कानूनी सलाहकार द्वारा परमिट बनवाना। बिजनेस में कानूनी मसलों से बचने के लिए उस बिजनेस के नाम का एक परमिट जरूर बनवाना चाहिए, जिससे उस बिजनेस को कानूनी तौर पर एक मान्य जगह और नाम मिल सके। होलसेल बिजनेस फेल होने के कारण। दाम की सही जानकारी में कमी। मार्केट में सामान के दाम से अधिक दाम में बहुत मात्रा में सामान मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों से खरीद लेना। बिना डिमांड वाले प्रोडक्ट्स का बिजनेस। बिजनेस ज्यादा मांग वाले ही चलते हैं। जिनका कोई ग्राहक नहीं होता वो बिजनेस कभी भी जम नहीं सकता। अकाउंट मैनेजमेंट में कमी। जब हमें यही नहीं पता होगा कि कितनी लागत लगी, कितनी बिक्री हुई, तो नेट मुनाफे का पता कैसे चलेगा? नेट प्रॉफिट का पता होना एक बिजनेस को सही दिशा देने का काम करता है। उधार देना। कुछ होलसेलर रिटेलर और ग्राहकों को उधार सामान दे देते हैं, उसके रिटर्न से जुड़े कोई पॉलिसी और सख्ती नहीं करते, जिससे उनका बिजनेस डूबने की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए उधार की भी एक टाइम लिमिट देनी चाहिए। दिए हुए उधार का हिसाब रखें। आप ये हिसाब ऑनलाइन ओके क्रेडिट ऐप के जरिए बड़ी आसानी से रख सकते हैं। इन सब पर ध्यान देकर ही होलसेल के किसी भी बिजनेस को सफलतापूर्वक जमाया जा सकता है और उससे मुनाफा कमाकर उससे अपने भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमें कमेंट करना ना भूलें। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।